सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, बहुत दिनों के बाद आप हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा हमारे वीडियो। सो गाइज, बहुत ही दिनों के बाद हम अपने चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि मैं कुछ व्यस्त था अपने लाइफ, पर्सनल लाइफ में। सो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि KTM की तरफ से न्यू अपकमिंग बाइक जो है KTM ड्यूक 125, जो नए लुक, नए ग्राफिक के साथ जो KTM की तरफ से 125 cc सेगमेंट में आती थी, अब उसमें बहुत सारे चेंजिंग आने वाले हैं। KTM ने बहुत सारे चेंजिंग करके ये बाइक को लॉन्च करने वाली है कुछ ही महीनों में। आप देख सकते हैं कि ये बाइक 250 की तरह लगेगा और ग्राफिक्स और कलर सेम 250 और 250 की तरह कलर, ग्राफिक्स और डिज़ाइन। और बहुत ही बड़ा जो चेंजिंग आने वाला है वो है हेडलाइट की तरफ से, जो इस बाइक में आपको LED हेडलाइट मिलेंगे और देखने को मिलेगा। बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत ही खतरनाक लगने वाली है। जो KTM लवर हैं 125 cc सेगमेंट में लेना चाहते हैं वो कुछ दिन आप वेट कर लो आप, क्योंकि कुछ अपडेट के साथ ये बाइक लॉन्च होने वाली है और बहुत ही बढ़िया लुक्स आप देख सकते हैं इस बाइक को देखने को मिल सकती है। सो KTM लवर, आपके लिए बहुत ही कम टाइम है और KTM इंडिया लॉन्च हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये बाइक लेने का 125 cc सेगमेंट ड्यूक KTM के तरफ से। तो गाइज, 125 cc सेगमेंट की बात की जाए तो कुछ इस बाइक के की स्पेक्स है, और पावर की बात करें तो 124.7 cc सेगमेंट में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही परफेक्ट बाइक ये मिलती है। और इस बाइक का टॉर्क की बात करें तो 12 Nm टॉर्क इस बाइक में देखने को मिल सकती है, और पावर की बात करें 14.5 PS जनरेट पावर करती है। और गाइज, इस बाइक में आपको 49-50 किलोमीटर आपको माइलेज मिल सकता है, ये कंपनी क्लेम करती है। और दोनों ही ट्यूबलेस टायर और मिलते हैं इस बाइक में, और दोनों में ड्यूल डिस्क आपको देखने को मिलेगी। और जो पहले की तरह सब पावर सब कुछ सेम रहेगा, बस फीचर्स में थोड़ा सा चेंजिंग है और ग्राफिक्स और कलर में आपको थोड़ा सा, जो 250 लवर्स है वो अब कम पावर में 125 cc सेगमेंट में भी वो कलर और ग्राफिक्स ले सकते हैं क्योंकि कंपनी कुछ दिनों में ये लॉन्च करने वाली है। सो गाइज, वेटिंग करते रहिए और मिलेगा आपको 125 cc सेगमेंट में KTM ड्यूक 125। बहुत ही परफॉर्मेंस वाली बाइक होने वाली है आप लोगों के लिए, और ये देख सकते हैं आप इसका ग्राफिक्स। सो गाइज, कुछ स्पेसिफिकेशन और इंजन के बारे में बात करते हैं तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 6-speed ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक देखने को आपको मिलती है, और जो लॉन्च होगी उसमें भी आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलेगी। सो गाइज, दिस इज न्यू KTM ड्यूक 125 BS6 इंजन, एंड इसमें सिंगल ABS के साथ आपको देखने को मिलेगी। और गाइज, KTM लवर, आप अगर कुछ वेट कर सकते तो कर लो, नहीं तो इस सेगमेंट में आपको बहुत TBS के भी बाइक मिल सकते हैं, जैसे रेडर एंड टॉर्क, ये सब 125 cc सेगमेंट में आपको मिल सकता है जो बहुत ही बढ़िया है, वो भी TBS का ही है। सो कुछ, और गाइज एक और बात है, जो TBS के तरफ से एक न्यू बाइक लॉन्च होने वाली है वो मैं आपको कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करते जाना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि एक एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं नए नए अपडेट उस पर डालते रहता हूँ और रील्स डालते रहता हूँ। सो रील्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, अगर आपको ये चाहिए तो कुछ देर वेट कर लो। सो गाइज, न्यू KTM 125 cc सेगमेंट में जो न्यू फीचर्स हैं, नए ग्राफिक्स हैं, वो आने वाले हैं। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें,
और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम एंड बी ऑल राइट।